हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूनम्स तड़का किचन में। आज हम मिर्ची की एकदम चटपटी और तीखी सब्ज़ी बनाएंगे। इसे बनाना है बिल्कुल आसान। कभी आपका सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो आप इस तरह से ये मिर्ची की सब्ज़ी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 250 ग्राम मिर्ची ले ली है। ये हमने मीडियम वाली मिर्ची ली है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और ये हमने प्याज लिए है, प्याज इसमें हम थोड़े ज़्यादा यूज़ करेंगे, टमाटर और मटर। ये हम मिर्ची को थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे, इस तरह से थोड़ा सा बड़े साइज़ में। तो आप देख सकते हैं मिर्ची हमने काट के रेडी कर ली है, और ये हमने प्याज भी काट लिए हैं और हमारे टमाटर भी। तेल, सरसों का तेल यूज़ करेंगे। हमने 4 से 5 बड़े चम्मच जो है सरसों का तेल लिया है। गर्म होने पे डालेंगे जीरा, सौंफ और राई। एक छोटी छोटी चम्मच हमने तीनों इसमें डाल दिए हैं। जैसे ही भून जाएंगे अब हम इसमें डाल देंगे हमारे प्याज जो हमने काट के रखे हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे हम फ्राई होने देंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे हमारा लहसुन कुटा हुआ। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लिया है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। और ये हमने 2 मीडियम साइज़ टमाटर इसमें यूज़ किए हैं। 2 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक, ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएं। अभी हम इसको एक बार मिक्स करेंगे और ढक देंगे। इसे हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट, इतने में हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो ये हम इसे ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और देखेंगे हमारे टमाटर जो हैं गले हैं या नहीं। ये हमारे टमाटर गल चुके हैं। अभी हम डाल देंगे मटर। ये मटर मैंने 1 कटोरी मटर लिया था, इसको मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही। और ये देखिए, अब हम इसे थोड़ी देर प्याज और टमाटर के साथ पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। मटर हमारे पहले ही उबले हुए हैं, बस हम इसे टमाटर प्याज के साथ पकाएंगे तो एक अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1/2 चम्मच इसमें डाल देंगे हम हल्दी। 1 चम्मच हमने डाला है इसमें लाल मिर्च, जो कि है हमारी कम तीखी वाली। और 1 चम्मच हम डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च। 2 चम्मच धनिया और 2 ही छोटी चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं सौंफ पाउडर। और 2 छोटे चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं अमचूर पाउडर। आप चाहें तो मिर्ची अवॉइड कर सकते हैं इस स्टेज पे, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो। ये मिर्ची हमारी बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाली है। अभी ये हमने इसमें मिर्ची डाल दी है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारी सब्ज़ी देखने में कितनी कलरफुल लग रही है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने इसे ढक दिया था 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, अभी हम इसे फिर से ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हमारी जो मिर्ची है वो अभी थोड़ी सी कच्ची है, हमारी मिर्ची पक जाएगी, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये हमारी मिर्ची पक चुकी है। तो ये हमारी चटपटी मिर्ची की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसको एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। मैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। तो अभी आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, जाइए और बनाइए ये तीखी चटपटी मिर्ची की सब्ज़ी और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।